बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सोनी की खुदकुशी के केस में आप विधायक शरद चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने शरद को गिरफ्तार किया है। हालांकि तीन दिन तक लगातार उनसे पूछताछ हुई थी। अभय पराशर एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभय, मतलब ये साफ है कि उनसे जो पूछताछ हुई उसमें क्राइम ब्रांच संतुष्ट नहीं था? देखिए ज्योति, क्राइम ब्रांच लगातार पूछताछ कर रही थी। असल में जब सुसाइड किया था सोनी ने, जो आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता थी, उसके बाद से उनका परिवार लगातार ये आरोप लगा रहा था कि रमेश भारद्वाज नाम का जो शख्स, जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था, वो काफी दिनों से परेशान कर रहा था। और ये भी आरोप था कि आम आदमी पार्टी के जो MLA है नरेला से, शरद चौहान, उनके कहने पर, उनके उकसाने पर वो उसे परेशान कर रहा था, जिसके बाद उनसे भी इस मामले में पूछताछ की गई। फिलहाल क्राइम ब्रांच ने शरद चौहान, जो आम आदमी पार्टी के MLA हैं, उनके अलावा इस पूरे मामले में टोटल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें इस पुराने केस के जो IO हैं, यानी कि एक पुलिस ऑफिसर भी इसमें अरेस्ट किया गया है, नरेला पुलिस स्टेशन का एक पुलिस ऑफिसर, क्योंकि 1.5 महीने पहले महिला कार्यकर्ता ने एक कंप्लेंट भी दी थी, उस IO को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है।